स्टार्ट होती है दो कंडीशन में, जब आपको लगे कि हमारे दांतों में कुछ सेंसिटिविटी हो रही है, हॉट या कोल्ड की सेंसिटिविटी, तो इसका मतलब कि आपके दांतों में कीड़ा बनना शुरू हो गया है, तो उस केस के लिए आप जो है फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रेफर कर सकते हैं, वो लीजिए, क्योंकि फ्लोराइड कंटेंट तो होना जरूरी ही है कैविटी बनने का। अगर आपको शुरू शुरू में आपको लगता है कि कीड़ा लग गया है, तो वो कीड़ा कच्चा होता है, वो अंदर तक नहीं गया होता, तो उसको आप निकलवा लीजिए, पहले जो है कच्चा मसाला भरवा लीजिए, उसके बाद 10 दिन के बाद वो पक्का मसाला हो जाता है, क्योंकि अगर पहले ही निकलवा लेंगे तो फायदा है, वरना नहीं तो होल भी तो कर देते ना। हाँ, और कैविटी को बड़ी कर देते। हाँ, वही कह रही हूँ, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपका जब नर्व तक कीड़ा चला जाए तो उस कंडीशन को आप आने ही मत दो। जब आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ठंडा गरम लगना शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि अब कैविटी बनने वाली है, तो आप उसी समय जाकर या तो अपने टूथपेस्ट बदल दीजिए। सपोज सेंसिटिविटी के लिए हम लोग थर्मोसिल यूज करते हैं, कुछ टूथपेस्ट होते हैं जैसे कि हाँ सेंसिटिविटी सेंसोरिन जैसे हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डेंटिस्ट के पास जाइए, बताइए कि भाई मेरे को जो भी आपके पास में अस्पताल है उसमें जाना चाहते हैं, अब आप आके पता करिए कि मेरे दांतों में सपोज ठंडा गर्म लग रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ, तो आपका उसका मतलब कीड़ा लगना शुरू हो गया, उसको पहले से ही उसको ट्रीटमेंट करें। आप इंतजार ना करें कि कीड़ा अंदर चला जाए और उसके नाल के स्टेज पे पहुंच जाए, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट।